हेलो दोस्तों, हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो डिफरेंट फॉर्म के हैं, जैसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है उस टाइप के हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में 1 + 2 tan x sec x प्लस टेन एक्स की पावर, टोटल की पावर कितना है 1/2 dx। क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत इजी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + दिया है, इसको अंदर क्या कर लीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan x sec x, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan² x। यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, 1/2 dx कर दीजिए। यहाँ तक तो ठीक था। अब इसको आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए क्वेश्चन को, ताकि इजी हो जाए। यहाँ क्या कर लिए, 2 tan² x है, तो एक यहाँ लिख दीजिए 10² x, और इसको ऑलरेडी वैसे ही लिखिए 2 tan x इंटू sec x, और यहाँ पे एक 10² x को लिख लीजिए 1/2 dx। अभी देखिए 1 + 10² x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे 2 tan x इंटू sec x प्लस क्या है, 10² x के पावर 1/2। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या है, एक फार्मूला है, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec प्लस sec x प्लस 10x का स्क्वायर ब्रैकेट बाहर 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बचा sec x dx, अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। फार्मूला याद है तो आप बना सकते हैं, या तो बना सकते हैं, या तो फार्मूला या तो आप ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन यानी छोटा सा इंटीग्रेशन आपको दिया था। चलिए पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं ऊपर के 2 लाइन मिटा के। तो वीडियो पॉज करके आप जरूर लिख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा मॉडिफाई रूल लगाना था, यहाँ पे मॉडिफाई करना था। यहाँ आ जाएगा sec इंटीग्रेशन sec x tan x dx क्या होता है हमारा, log में sec x प्लस tan x, और यहाँ पे इसका जो हो जाएगा माइनस में आता है, और ये होता है लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, इजी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, दूसरे पैटर्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप जरूर इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड में, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट के अंदर 5 + x^10, नीचे दिया है x^60, क्या दिया है 60, ठीक है, और यहाँ dx। चलिए अब यहाँ से देखने में क्वेश्चन तो हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा कॉमन वाला क्वेश्चन है, कैसे इसको कॉमन लेके कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। चलिए यहाँ पे 10 x के पावर 10 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए बाहर। जब x के पावर 10 कॉमन लेंगे बाहर, तो x के पावर कितना बचेगा 5, लेकिन यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10, यहाँ पे x के पावर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे प्लस 1, नीचे क्या है हमारा x के पावर 16, यानी इससे 5 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, x के पावर 11 बच जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिखिए, नीचे क्या है 5 upon x^10 + 1 upon x^11 dx, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करिए, 5 upon x^10 + 1 को क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा 5 upon x^10 + 1 = 0, t मानना था, क्या मानना था t। चलिए
अब इसको क्या करिए, वन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे क्या होगा, फाइव का भी हमारा कांस्टेंट का ऑलरेडी होगा। यहाँ पे देखिए दरअसल दोस्तों एक मुझे ये कीड़ा परेशान कर रहा है, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 5x10 इक्वल टू टी। अब यहाँ पे इसका क्या कर लीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ आ जाएगा -10 और यहाँ x10 और -1 होता है और dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब ये 5 दहा में क्या हो जाएगा, कितना 50, कितना हो जाएगा 5 दहा में 50, ठीक है। और ये माइनस और एक्स के पावर कितना हो गया, -11 dx इक्वल टू dt, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब इसको उधर भेज दीजिए, x के पावर इधर लिख सकते हो 1/ में x के पावर 11 dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt/ में 50 माइनस कर दीजिए साथ में, ठीक है। अब देखिए इस इतना हम लिख सकते हैं dx/ में इतना माइनस dt/50, तो क्वेश्चन क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन इतने के बराबर क्या माने हैं, ठीक है, इतने के बराबर हम क्या माने हैं टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में टी, और यहाँ पे हमारा क्या है dx/11 के बराबर डी माइनस dt/50, ठीक है। यहाँ पे -dt/50, तो इसको -dt ये 50 बाहर लिख लीजिए और टी के पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन करना है, x पावर n वाला फॉर्म लगा दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये आ गया -1/50, तो टी के पावर 1/2 + 1/2 + 1, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 1/50, 2 1 = 2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, कितना 3/2, तो टी के पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 क्या आ जाएगा 3/2, तो 25 × 50 75, यानी कि आपका आ जाएगा इधर -1/75 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब टी क्या माने हैं, 5/10 एक्स के पावर 10 प्लस फाइनल आंसर रिप्लेस कर दीजिए, 1/75 टी क्या माने हैं, 5 एक्स के पावर 10 प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका जाके -1/75, ठीक है, 5 / x के पावर 10 प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा। देखने में क्वेश्चन तो बहुत चिंदी था, बहुत छोटा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत भारी था, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज किया गया था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन। ये हमें कीड़ा अभी भी परेशान कर रहा है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।